फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज पूरे देश में विजयदशमी की धूम मची हुई है। जगह जगह पूरे उत्साह के साथ रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। आज हम आपको इस उत्साह की एक झलक दिखाएंगे, साथ में 10 रावण की एक्सक्लूसिव 10 नसीहतें भी दिखाएंगे, जो बताती हैं कि आप अपने अंदर के रावण को कैसे मार सकते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कोरोना फैलने के बाद से हमारे आसपास कई रावण खड़े हो गए। इनमें से एक रावण है समंदर का, जिसे चुनौती देने के लिए मालाबार में क्वाड देशों के बीच हुंकार भरी है। TV9 भारतवर्ष वो इकलौता चैनल है जो इस वक्त युद्ध भूमि में, और हम इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। फिर बात करेंगे आतंक के रावण की, जिससे इस वक्त कश्मीर घाटी में मुकाबला चल रहा है। आज हम आपको पंजशीर की उन पहाड़ियों पर भी ले चलेंगे जहां आतंकियों का एनकाउंटर जारी है, और इस पूरी फिक्र को समझेंगे जो बड़ी चुनौती है। आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। किसान आंदोलन के बीच एक सिख युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस पर आरोप चाहे जो भी हो, कानून को हाथ में लेने और हत्या के बर्बर तरीके ने हर किसी को विचलित कर दिया है। आज दशहरा है और पूरे देश में इस त्योहार को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है दशहरा, और इस मौके पर आज देश भर में रावण दहन किया गया। दशहरा क्यों मनाया जाता है और रावण दहन क्यों होता है, ये हम सब जानते हैं। त्रेता युग में इसी दिन बुराई रूपी दशानन का अंत अच्छाई रूपी प्रभु श्री राम ने किया था, इसीलिए इस दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। रावण दहन किया जाता है। इस वक्त हम आपको 5 शहरों में रावण दहन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, लुधियाना, भोपाल, पंचकुला और पटना में रावण के पुतले को जलाया गया और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर रावण का दहन किया गया। असली रावण तो सदियों पहले मारा गया, लेकिन रावण रूपी कई तरह की बुराइयां आज भी जिंदा हैं, अलग अलग रूपों में लगातार लोगों को जकड़ती जा रही हैं। ऐसे में सिर्फ रावण के पुतले के दहन की रस्म अदायगी से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर के रावण को खत्म करना। ऐसी ही 10 बुराइयों से बचने के बारे में सुनिए खुद रंगमंच के दशाननों से। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस समय इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है कट्टरता। कट्टरता एक ऐसा रावण है जो सबको रावण बना डालता है। इसलिए आस्था ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को बनाने से रोक सके। अगर अपने अंदर के रावण को भगाना है तो अपने अंदर की नफरत को बाहर करना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि नफरत से खुद का भला नहीं होता तो दूसरों का क्या भला होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना अहंकार होता है। स्वाभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखे कि स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बारीक अंतर होता है। क्रोध, मनुष्य के अंदर छिपा एक रावण, उसका अपना क्रोध है। क्रोध इंसान को जला देता है। क्रोध के कारण लोग सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। इंसान के अंदर सबसे बड़ा रावण है कटु वचन। मनुष्य क्रोध में ना जाने क्या क्या बोल जाता है, और इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। विवेकहीनता, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई लोगों को दूसरे की खुशियां चुभने लगती हैं। लोग अपने दुख को दूर करने से ज्यादा इस बात का प्रयास करते हैं और कामना करने लगते हैं कि दूसरों का सुख छिन जाए। इसे जलन कहते हैं, और इस जलन रूपी रावण का दहन आवश्यक है। हमारे आपके अंदर एक और रूप में भी रावण रहता है, और वो है बुरी आदतें, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, इन्हें दुर्व्यसन भी कहते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पर इस तरह के व्यसनों के त्याग की शपथ ले।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य से हम न सिर्फ अपने बल्कि अपने समाज और देश को भी नुकसान करते हैं। ऐसे रावण को करीब भी न आने फटक दे। कोरोना के इस काल में नकारात्मकता बहुत बड़ी है और ये वो रावण है जो क्रिएटिविटी को रोकता है, इसे दूर भगाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी रावण रूपी बुराइयों से दूर रहें और कामना करते हैं कि ईश्वर आपको हर बुराई से दूर रखे। दशहरे पर रावण दहन के अलावा शस्त्र पूजा की भी परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। दिल्ली में DRDO परिसर में शस्त्र पूजा के वक्त उनके साथ NSAG डोवाल भी मौजूद थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में शस्त्र पूजन किया और रावण रूपी देश के तमाम दुश्मनों का जिक्र किया, तमाम चुनौतियों का जिक्र किया, तालिबान का नाम लिया, चीन का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया और देश को सावधान रहने के लिए कहा। तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हम सब सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था, रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का विस्तारवादी विजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। यूं कहें कि चीन ग्लोबल विलन बन गया है। ऐसे में उससे निपटने के लिए भी सशस्त्र पूजा हुई, लेकिन ये सशस्त्र पूजा समुद्र में हुई और 4 दिन तक चली, जिसका नाम है ऑपरेशन मालाबार। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, जिसका गवाह बने TV9 भारतवर्ष के साहसी संवाददाता सुमित चौधरी, जो परमाणु शक्ति से लैस जंगी जहाज पर पहुंचे। देखिए पहली बार TV पर ऑपरेशन मालाबार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में समंदर का सीना चीर कर आगे बढ़ते जंगी बेड़े और उनसे परवाज भरते फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश, ये तस्वीरें चुनौती है चीन को। ये तस्वीरें हैं मालाबार एक्सरसाइज की, जो विस्तारवाद वायरस से संक्रमित चीन को चित करने की भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त समुद्र शक्ति का प्रदर्शन है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नजर आएंगे, चाहे वो F-18 हो या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट हो। मालाबार एक्सरसाइज में सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा जल योद्धा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन भी शामिल हुआ। न्यूक्लियर पावर से लैस इस वॉरशिप पर पहली बार देश का कोई टीवी चैनल पहुंचा और जंगी तैयारियों को देखा। TV9 भारतवर्ष के साहसी रिपोर्टर सुमित चौधरी विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां से वो वर्टिकल टेकऑफ, लैंडिंग के साथ साथ शॉर्ट टेकऑफ कर सकने वाले दुनिया के इकलौते V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर में सवार हुए। करीब 1 घंटे के सफर के बाद भारतीय नौसैनिकों और बेड़े के साथ एक्सरसाइज कर रहे USS कार्ल विंसन पर पहुंचे। सबसे पहले हमें ब्रीफिंग रूम ले जाया गया। USS कार्ल विंसन की खूबियों, ताकत और काम करने के तरीकों के बारे में बताया गया। उसके बाद हमें ठीक वैसे ही तैयार किया गया जैसे इस वॉरशिप पर नौसैनिक तैयार रहते हैं।
हमने फ्लाइंग कोट पहना हुआ है, हमें गियरअप कर दिया गया है, हमें कान में ईयरबड्स लगा दिए गए ताकि बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बहुत छोटा एरिया होता है, मैं आपको बता रहा था, और कई फाइटर एयरक्राफ्ट उतरेंगे। तो अभी हम यहाँ से इन्हीं लोगों के साथ, इन जो जो आप कहते हैं फ्लोर मैनेज करते हैं, इनके साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मैं अभी आगे की तरफ यहाँ से फ्लाइंग डेक की तरफ हम जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे फ्लाइंग ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट कैरियर पे किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीवी 9 भारत वर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी इस वॉरशिप के डेक पर पहुंच गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट कैसे उड़ान भरते हैं, सब कुछ कैमरे में कैद किया। डेक पर बहुत जगह कम होती है तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स में भेज दिया जाता है, इनको लगातार वहाँ पे भेज दिया जाता है। और थोड़ी देर में यहाँ पर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ऐसे सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। एक के बाद एक फाइटर जेट्स लैंड कर रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद कर सकते हैं। यूएसएस कार्ल विंसन मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। निमित्स क्लास का ये वॉरशिप न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसका वजन करीब 1,00,000 टन, फ्लाइट डेक एरिया 4.5 एकड़ और स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इस पर दुनिया के सबसे घातक 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का डेरा है। मैं इस समय हैंगर में हूँ। हैंगर वो जगह है जहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है, ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18, यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। और थोड़ा सा अगर मैं आपको उस तरफ लेकर चलूं या दिखाऊं तो वहां पर है इनके अर्ली वार्निंग एयरबोर्न एयरक्राफ्ट, यानी जो लगातार रेडार्स का काम करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ दुश्मन पर बारूद बरसाने के लिए फाइटर जेट्स ही नहीं है बल्कि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट E-2D हॉकीज भी है। ये है 2D हॉकाई, यानी ये वो अर्ली वार्निंग रेडार आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट है जो लगातार इस एयरक्राफ्ट को बचाए रखता है। सोच रहे होंगे कैसे, दरअसल ये वो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है जो हवा में रहकर दुश्मनों के बारे में, दुश्मनों के अटैक के बारे में लगातार बताता रहता है। अगर आप, मैं आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 25,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 25,000 फीट ऊंचाई से ही ये लगातार कई टारगेट को देख सकता है, उनको डिस्प्लाइज भी कर सकता है। और यही लगातार बताता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट खड़े होंगे फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको ये आग्रह करता है सिग्नल के थ्रू कि किसको कहां से उड़ान भरनी है ताकि वो अपने बड़े मिशन पे निकल सके। अपनी ताकत के बल पर अमेरिका का ये वॉरशिप समंदर से आसमान तक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे भेदने और भिड़ने की ताकत दुनिया के किसी भी देश की नौसेना में नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MK-57 MOD-3 सी स्पैरो एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम है। इस पर फ्रेम 116 रॉलिंग एयर फ्रेम मिसाइल भी तैनात है। फालक्स क्लोज इस वेपन सिस्टम से भी लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 6,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। ये सब हर वक्त किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि पूरे ऑपरेशन को कैसे और कहां से कंट्रोल किया जाता है। मैं इस समय ब्रिज में खड़ा हूं। ब्रिज वो जगह होती है जिसको नर्व सिस्टम भी कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर आप देखें वो इसलिए क्योंकि एक ATC के तौर पर काम करता है। अभी अगर आप सामने देख रहे हो तो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं। डेक है, डेक को लगातार मॉनिटर यानी लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ यहीं से मॉनिटर किया जाता है। आप इसको आसान शब्दों में ATC भी कह सकते हैं। USS कार्ल विंसन इस वक्त भले ही जंग रिहर्सल कर रहा हो लेकिन इससे पहले जंग के कई मोर्चों पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुका है। ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन सदर्न वॉच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे मिशन को अंजाम दे चुका है।
इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में दफनाया गया था। यूएसएस कार्ल विंसन के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन नेवी के बेड़े और जवानों ने युद्धाभ्यास किया। चार दिन तक चली मालाबार 2021 एक्सरसाइज का मकसद चीन को उसकी हड़प नीति के खिलाफ चेताना था, उस पर लगाम लगाने की तैयारी थी। अब फिक्र देश की सरहद की और जिक्र वहां घात लगाए रावण का। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों पर हुए हमले महज संयोग नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रयोग है। आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और तेज करने की नापाक साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हाल ही में POK के कई आतंकी संगठनों के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में हमले तेज करने को कहा। कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने को कहा गया। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को ISI और आतंकी संगठनों के बीच POK के मुजफ्फराबाद में सीक्रेट मीटिंग हुई। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक इस मीटिंग में ISI ने जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों को लॉन्च करने को कहा है। ISI ने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ाने को कहा है। इस साजिश के तहत सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग में काम कर रहे कश्मीरियों पर हमले करने को कहा गया है। BJP RSS से जुड़े गैर कश्मीरी लोगों को भी निशाना बनाने को कहा गया है। इस अलर्ट के मुताबिक ISI ने 200 लोगों की हिटलिस्ट तैयार की है जिनकी हत्या से कश्मीर घाटी में तनाव पैदा किया जा सके। कथित तौर पर इस लिस्ट में कई कश्मीरी पंडितों के नाम शामिल हैं जो घाटी में समुदाय की वापसी के लिए एक्टिव दिख रहे हैं। दूसरी ओर घाटी में आतंकियों की सफाई में जुटे सुरक्षा बल पर भी आतंकी हमले हो रहे हैं जिसमें कल भी सेना के 2 राइफलमैन शहीद हो गए। चप्पे चप्पे पर सेना का काफिला और एक्शन में देश के जवान, ये सबूत है कश्मीर घाटी में आतंकियों पर फाइनल प्रहार का, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। दरअसल त्योहारों के मौके पर पाकिस्तान की नापाक साजिश चरम पर है। 14 अक्टूबर की शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर पुंछ जिले के मेंढार में 60 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया। जिस समय यहां आतंकी हमला हुआ उस समय सेना के 48 RR, 16 RR और SOG का जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आतंकी हमले के बाद नरखास के जंगलों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें सेना के 2 राइफलमैन शहीद हो गए। सर्वोच्च बलिदान देने वाले 26 वर्ष के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के विमन गांव के निवासी थे और 27 साल के राइफलमैन योगेंबर से चमोली जिले के संकरी गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि अंधेरा और सघन जंगल होने के कारण सुरक्षा बलों के सामने चुनौती बड़ी है। आतंकी भाग ना सके इसके लिए पूरे जंगल की घेराबंदी की गई। अगले दिन भी ऑपरेशन जारी रहा। SOG ग्रुप यहां पर किस तरीके से कॉर्डन दे रही है, यानी कि भारतीय सेना को यहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सपोर्ट कर रही है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अतिया आधुनिक हथियारों से लैस जवान किस तरीके से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, ये तस्वीरों में आप देखिए। और जंगल के इलाके को अगर आप देखें काफी डेंस फॉरेस्ट है, चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन आतंकियों का खात्मा होना बेहद ही, जो आतंकियों का खात्मा है वो जरूर होगा। उधर इस आतंकी हमले के बाद पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरनकोट से पिंबर गली के बीच गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, सघन चेकिंग शुरू की गई। सुरक्षा बलों का चल रहा आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। आज नरखास के जंगलों में एक बार फिर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। आशंका है कि 3 से 4 आतंकी इसी जंगल के इलाके में छुपे हो सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं BG मेंढर रोड के ऊपर और आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, यानी कि ये रोड जो है ये बंद कर दिया गया है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये पुंछ इलाके की तरफ जाता है लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से यहाँ पे तैनात किए गए हैं। यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति जो है फिलहाल के लिए नहीं दी गई है। इससे पहले 11 अक्टूबर को भी पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक SOG समेत 5 जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों की टुकड़ी खुफिया सूचना मिलने पर आतंकियों की तलाशी में ऑपरेशन के लिए पीर पंजाल के जंगलों में गई थी जहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था।
मतलब आतंकियों से एनकाउंटर में पिछले 5 दिनों में एक एसओजी समेत सेना के 7 जवान शहीद हुए हैं। दरअसल घाटी में आतंकियों की बौखलाहट ऑपरेशन ऑल आउट का नतीजा है। इसी कारण जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आम लोगों पर हमले अचानक पड़े। कश्मीर में आतंकी हमलों के इस बदले ट्रेंड को सुरक्षा बलों ने भी जल्दी भांप लिया और एक्शन तेज कर दिया। नई स्ट्रैटेजी के तहत आतंकियों की जल्द पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में ही 9 टॉप आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और TRF के सदस्य थे। 8 अक्टूबर को श्रीनगर के नातीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अकीब बशीर मारा गया। 11 अक्टूबर को बांदीपुरा में लश्कर ए तैयबा का आतंकी इम्तियाज अहमद डार मारा गया। 11 अक्टूबर को ही जैश ए मोहम्मद के आतंकी यावर गनी डार को अनंतनाग में ढेर किया गया। 12 अक्टूबर को शोपिया में लश्कर के आतंकी दानिश हुसैन डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 12 अक्टूबर को ही लश्कर और TRF से जुड़ा आतंकी मुख्तार अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी हुबैब अहमद, लश्कर और TRF से जुड़े आतंकी उबैद अहमद डार को ढेर किया गया। और 13 अक्टूबर को अवंतीपुरा में जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी शमशीन अहमद सोफी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी हलचल के पीछे पाकिस्तान की साजिश है, जहां इन दिनों सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जनरल बाजवा तख्तापलट की तैयारी कर रहे हैं। कहती है ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही नहीं, उनके लब यूं ही शायराना नहीं हो रहे। सुनिए वो कौन से सवाल है जिसे सुनते ही उनके चेहरे पर लाली छा जाती है। तो देखा आपने, शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम शब्द को सुनते ही खुशी के मारे लाल हो गए, कभी शायराना हुए तो कभी जुबान को कंट्रोल करते दिखे और फिर तेज कदम से आगे बढ़ गए। अब समझिए कि पाकिस्तान में आखिर कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है। दरअसल जनरल बाजवा ने जनरल फैज हमीद को ISI के चीफ के पद से हटा दिया है, जिसके बाद इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच तनातनी चरम पर है। बाजवा की मोहर के 9 दिन बाद ही इमरान खान ने नए चीफ नदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत नहीं किए हैं। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अगर इमरान ने आर्मी चीफ से जोर आजमाइश बंद नहीं की तो बहुत जल्द शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान में अगर इमरान का विकल्प तलाशा जा रहा है तो फिर कुरैशी के नाम को लेकर ही कयास क्यों है? कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी की तमन्ना शुरू से ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की रही है, लेकिन पहले यूसुफ रजा गिलानी तो दूसरी बार इमरान खान ने उनकी राह रोक दी, लेकिन एक बार फिर कुरैशी के पास मौका है, क्योंकि कुरैशी और पाकिस्तानी फौज के बीच ना सिर्फ अच्छे बल्कि गहरे ताल्लुकात हैं। इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान के बचे हुए 1.5 साल के कार्यकाल के लिए कुरैशी को कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। अब जानिए कि इमरान और बाजवा के बीच टकराव की वजह क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। कहा जाता है कि ISI के वर्तमान चीफ फैज हमीद ने 2018 के चुनाव में जमकर धांधली की और इमरान को वजीर आजम बनवा दिया। शुरुआत में इमरान ने जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन देकर नवाजा और फैज पीछे रह गए। एक्सटेंशन के बाद आर्मी चीफ बाजवा अगले साल अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। इमरान चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद ही पाकिस्तान के अगले चीफ बने और इसके पहले वो ISI सुप्रीमो बने रहे, लेकिन बाजवा इससे इत्तफाक नहीं रखते। वो जनरल अंजुम को ISI की कमान सौंपना चाहते हैं और पाकिस्तान में तनातनी की असली वजह यही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज अपने विजयदशमी विशेष में समंदर से लेकर घाटी तक की फिक्र देखी, लेकिन आज राजधानी दिल्ली की एक फिक्र ने भी देश के लोगों को विचलित कर दिया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स का हाथ और पैर काटकर उसकी लाश को लटका दिया गया।
इस घटना का वीडियो दिल दहला देने वाला है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की ये फिक्र कितनी बड़ी है इस रिपोर्ट में देखें। ये तस्वीर विचलित करती, परेशान करती, लेकिन ये तस्वीरें फिक्र बढ़ाती। तस्वीर सोनीपत के सिंघू बॉर्डर की है। यहां एक युवक को मारकर लोहे के बैरिकेड से लटका दिया गया। जिस युवक की बॉडी को लटकाया गया उसका एक हाथ कटा, वहीं उसी बैरिकेड पर उसका कटा हुआ हाथ टंगा। यही नहीं, उसके पैर भी काट डाले गए। घटना की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद लोगों ने भी जैसे ही यह मंजर देखा पुलिस को जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को बैरिकेड से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 5 बजे के आसपास सोनीपत पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रदर्शनकारियों के मेन स्टेज के पास एक शख्स की हाथ पांव काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उसे बैरिकेड पर लटका दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को नीचे उतारा गया और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। जमीन पर पड़ा युवक तड़प रहा, बाल से उसके कटे हाथ पांव पड़े। वहां मौजूद लोग तड़प रहे शख्स से उसका नाम पता पूछ रहे हैं। ऐसे वीडियो की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लिहाजा एक संवेदनशील मुद्दा और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको अपुष्ट वीडियो नहीं दिखा रहे। लेकिन घटना को लेकर पुलिस क्या कह रही है ये सुनिए। कौन था ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई है? देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजमों के साथ मौके पे गया। उसने वहाँ जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिगेट के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। सिंघू बॉर्डर पर विभत्स दृश्य हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहा है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक एएसआई संदीप कुमार को सिंघू बॉर्डर से सुबह 5 बजे सूचना मिली कि एक शख्स का हाथ पैर काटकर शव को लोहे के बैरिकेड से लटकाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह युवक है कौन और इसकी हत्या इतनी बेरहमी से किसने की। हमारे रिपोर्टर ने इन अहम सवालों पर पुलिस के आला अधिकारी से सीधा जवाब मांगा। क्या कुछ लोगों का आइडेंटिफाई किया गया है? हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स का नाम है और सस्पेक्ट्स का हम कितना रोल है, क्या रोल है, जो सोशल मीडिया पे जो मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं, जो हमारे फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं, जो हमने फॉरेंसिक टीम से हमने सीन ऑफ क्राइम का एग्जामिनेशन करवाया है, उसके हिसाब से हम पूरा एक स्टोरी बिल्ड करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस किस का क्या क्या रोल था। पुलिस का दावा है कि जिस युवक की बेरहमी से हत्या हुई उसकी पहचान हो गई है। युवक का नाम लखबीर सिंह था। 35 साल का लखबीर पंजाब के तरनतारन के गांव चीमा खुर्द का रहने वाला था। वो वहां मजदूरी किया करता था और उसे नशे की लत भी बताई जा रही है। फिलहाल वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। लखबीर सिंह की 3 बेटियां थी जो उसकी पत्नी के साथ रहती। सवाल सर, मृतक की क्या पहचान हो पाई है? मृतक का नाम जो भी पता लगा है लखबीर सिंह, वो जिला तरनतारन पंजाब के रहने वाला। घटना मानवता को झकझोरने वाली है। ऐसे में हत्या की वजह और हत्यारे तक कानून की पहुंच जरूर होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और भविष्य के लिए कानून को हाथ में ना लेने का संदेश भी जाए। इस बीच आपको मामले, इस मामले में एक आरोपी सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस उससे बलबीर की हत्या के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल युवक बलबीर का शव सिंघू बॉर्डर पर ही मिला। यह वही जगह है जहां करीब 1 साल से किसान आंदोलन जारी है। ऐसे में आपके लिए किसान आंदोलन में शामिल संगठनों की प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है। मर्डर के बाद आंदोलन में शामिल किसान संगठन भी सामने आया। इस घटना की संयुक्त किसान मोर्चा ने निंदा की है। उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस हत्या की निंदा करता है। ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि घटना से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि इस हत्या के आरोपी आरोप की
जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा कानून के मुताबिक कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो यह है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पर डटे हुए हैं वो लोग। जो मृतक है लखबीर सिंह वो पंजाब के तरन तारण इलाके से है। वो इस समूह के साथ पिछले 2-3 दिन से रह रहा था। कल रात को इनमें आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ और बेअदबी का आरोप लगा। घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की अपनी दलीलें हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन सभी पक्षों की मांग है कि दोषी जो भी है उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। कट्टरता चाहे किसी भी मुल्क में हो, नुकसान पूरी दुनिया में मानवता और अधिकारों का होता है। अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कट्टरता की वजह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक अधिकार को चोट पहुंची। बांग्लादेश में चंद उन्मादी और कट्टरपंथी लोगों ने जगह जगह दुर्गा पूजा पंडालों पर जो हमला किया था उसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। खबर यह भी आई है कि कट्टरपंथी दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों को जब निशाना बना रहे थे तब कई बार बुलाने के बाद भी पुलिस नहीं आई और माँ दुर्गा की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई जगहों पर पूजा पंडालों को फूंक दिया गया। हालांकि आज देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की। भारतीय विदेश मंत्रालय हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा को लगातार लेकर फिक्रमंद है और बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 10% है। 2014 से 2015 के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 1% बढ़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1951 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो इस इलाके में कुल आबादी हिंदुओं की जो थी वो करीब 22% थी। 22% 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 8.4% रह गई, यानी हिंदू आबादी घट गई थी। 2015 में 10.7%, मतलब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी बढ़ी। बांग्लादेश के विकास में हिंदुओं की बड़ी भूमिका रही, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ साजिशें भी हमेशा होती रही। अब उम्मीद है कि बांग्लादेश की सचेत सरकार इस साजिश को नाकाम करे। और अब हमारी खास सीरीज लूटकर। भारत में सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, लाइन में लगने से बचाया जाता है, सार्वजनिक परिवहन सीट रिजर्व रखी जाती है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि बिल्डर और सरकारी अफसर मिलकर सीनियर सिटीजन्स को एक अदद रजिस्ट्री के लिए कैसे खून के आंसू रुला रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सीनियर सिटीजन सोसाइटी की रिपोर्ट थी। ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 में बना सीनियर सिटीजन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके लोगों के लिए बनाया गया आशियाना। लेकिन यहाँ के 840 फ्लैट्स में रह रहे बुजुर्ग अपनी बची खुची पूंजी झोंक कर भी ठगे रहे। घर तो मिला लेकिन रजिस्ट्री ही नहीं। 2 दशक से लोग अथॉरिटी से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं और अब हताश है, निराश है। 20 साल हो गए हमको जो घर लिया था लोगों ने, वो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं और अभी भी हमारा क्वार्टर ये नहीं पता है कि हमारे नाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं होती है। मैंने तो चीफ मिनिस्टर तक मैंने अप्रोच करी और पोर्टल पे ये डाल दी अपनी रिपोर्ट कि अगर बेचना भी चाहें तो उतना भी नहीं मिलेगा जितने में हम बाहर कुछ खरीद पाएं। और हम लोग तो जो प्राइवेट सर्विस वाले हैं वो पेंशनेबल जॉब में नहीं थे, और जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो आई हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, और यहाँ हम सिर्फ रेजिडेंट हैं, ओनर नहीं हैं। आधे तो ऊपर गुजर गए और आधे जाने का वेट कर रहे हैं, तो इसका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। RWA में हमें लगता है कि कुछ बिल्डर के लोग भी शामिल हो गए हैं, ऐसा लगता है। अब इस बिल्डिंग में रहने वालों की मजबूरी समझिए। साल 1997 में सीनियर सिटीजन सोसाइटी की नींव रखी गई और वादे के मुताबिक साल 2000 से लोगों को घर का पोजेशन भी मिलने लगा। लेकिन बिल्डर की एक गलती से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने
कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, जिसकी सजा भुगत रहे हैं यहाँ के रेसिडेंट। सोसाइटी एक्ट के मुताबिक यहाँ 7 से 25 मेंबर ही होने चाहिए, जबकि बिल्डर ने सभी को मेंबर बना रखा था। इसलिए 2004 में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया गया तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आवेदन ठुकरा दिया। इसके बाद से मामला अटक गया और 2012 में बिल्डर सुरेंद्र उत्पल की मौत हो गई। अब यहीं से मेंबर के बाद मालिकाना हक का भी पेच फंस गया। सवाल यह था कि जब बिल्डर की ही मौत हो गई तो मालिकाना हक किसका हुआ, जिस सवाल को सुलझाने के लिए लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। देहरादून में सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, इसलिए यहाँ के रेजिडेंट नैनीताल हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कहा जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक के लिए अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन AOA बनाया जाए। कोर्ट के आदेश से बुजुर्गों को आधी राहत मिली, सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया। लेकिन अभी एक और आफत बाकी थी। 2016 में सोसाइटी के रिवाइव होते ही इनकम टैक्स का छापा पड़ा और 7 साल तक कम्युनिकेशन ना होने की वजह से सोसाइटी पर जुर्माना लग गया। मेंबरशिप से लेकर इनकम टैक्स के छापे तक के सफर में कई बुजुर्ग रेजिडेंट दुनिया छोड़ गए। घर के कागजात की फाइल तो मोटी होती गई लेकिन घर की रजिस्ट्री नहीं हो सकी, जबकि कश्मीर तक से प्रताड़ित होकर निकले लोग सुकून की तलाश में निकले थे। कश्मीर में हालात नहीं ठीक थे, इसीलिए ये एक पूरा परिवार कश्मीर से अपना सब कुछ छोड़कर ग्रेटर नोएडा आया। हम धोखे में रह गए और यहाँ पर आ गए, सारा पैसा दे दिया लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ये सोसाइटी सब्सिडाइज रेट्स पर गवर्नमेंट ने इनको जमीन दे दी है। कितनी एज है आपकी? 81। 81 साल आपकी उम्र हो गई, आप 2004 से यहाँ रह रहे हो, क्या सपना अब आपके लिए बचा हुआ है? क्या सपना, आप तो जाने के दिन आ गए, लेकिन सुकून तो कुछ नहीं है कि हमारे बच्चे किस इसमें मुसीबत में हमने फंसा दिए। हम बुजुर्गों की इस मुसीबत को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी गए, जहां बीच का रास्ता निकालने की तैयारी चल रही है। जो सब ज्यूडिस मामला है, as soon as it is resolved, we will try to expedite the process. प्राधिकरण ने हमें ये नहीं बताया कि बीच का रास्ता कब तक निकल जाएगा, लेकिन एसोसिएशन हमें भरोसा दिला रहा है कि इस दिवाली में लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी की रजिस्ट्री बहुत जल्दी होने वाली है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रजिस्ट्री नहीं होने देना चाहते हैं। रजिस्ट्री ना होने का कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो यहाँ की प्रॉपर्टी है वो सारी अटैचमेंट की हुई है और उसके खिलाफ हम CIT कानपुर में केस लड़ रहे हैं और जैसे ही केस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तत्काल रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएंगे। वाकई अगर ऐसा हुआ तो सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स के घर दिवाली में खुशहाली आएगी, लेकिन क्या घर को दलदल बना देने वाले बिल्डरों और बाबुओं पर भी लगाम लगेगी, ये सवाल इसके बाद भी बरकरार रहेगा। कल आपको लूटघर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं, वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। और अब फटाफट खबरें। दशहरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस सेक्टर को दी बड़ी सौगात, देश को 7 डिफेंस कंपनियों की समर्पित। लॉन्चिंग पर बोले PM, आत्मनिर्भरता के साथ भारत को बनाना है सबसे बड़ा मिलिट्री पावर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार पहुंचकर पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का किया निरीक्षण। आजादी के अमृत महोत्सव में वीर सावरकर को किया याद, कहा सावरकर ने सेलुलर जेल को तीर्थ स्थान में बदल दिया। चार धाम यात्रा के बचे चंद दिन, 5 नवंबर से बंद हो जाएंगे उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के कपाट, चमोली में 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पंजाब, हरियाणा और NCR में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी, CAQM की और ISRO लगातार बनाए हुए नजर। CAQM ने कहा कि राज्य सरकारें पराली जलाने की समस्या में निपटने के लिए कदम उठा रही हैं, प्रभावी कदम। छत्तीसगढ़ के जयपुर से आया हैरान करने वाला वीडियो, दशहरे की झांकी में शामिल 20 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचला, हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायलों की हालत नाजुक। टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत ने खेल में आगे बढ़ाए कदम, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च की हो सकती है स्थापना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 करोड़ में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का सेंटर। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव।
फिर से अर्थव्यवस्था उभरती हुई दिख रही है। अगस्त के महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 11.90% का उछाल आया है। गौरतलब है कि पिछले साल यानी अगस्त 2020 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में 8% की गिरावट दर्ज की गई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तेजी से साफ है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार हो रहा है। कोरोना काल में नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान पूर्ण कोरोना काल में 1,10,40,409 लोग ईपीएफओ से जुड़े। इनमें महिलाओं की संख्या 25,20,661 रही, मतलब करीब 23% रही, जो कोरोना काल से पहले की तुलना में 5% ज्यादा है। सरकार ने त्योहारों से पहले बड़ा ऐलान किया है, जिससे खाने के तेलों के दाम में कमी आ सकती है। क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क 6 महीने के लिए खत्म कर दिया गया है। क्रूड पाम ऑयल का एग्री सेस भी 20% से घटाकर 7.5%, जबकि क्रूड सोया और सनफ्लावर का सेस 5% कर दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।